नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्विकर के तरफ से, क्विकर के वेबसाइट के जरिए कैसे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से आप यहां से जो है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको आना होगा दोस्तों quikr.com में। और जैसे quikr.com में आएंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपने आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके ज़रिए भी जो है आप अप्लाई कर सकते। तो जैसे आप इसमें ओपन करेंगे तो आपको quikr.com आएगा, लेकिन उसके बाद आपको जो है आपका लोकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं या आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो जैसे करेंगे देखिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा quikr.com/hyderabad। उसके बाद आपको जॉब सर्च में यहाँ पे देखिए जॉब करके हैं, इसमें आप क्लिक कीजिए। और एक बार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब लाते रहते हैं। तो जैसे ही आप जॉब में क्लिक करेंगे तो ही बहुत सारे यहाँ पे जो है ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो हमें जो ऑप्शन चाहिए वो है गवर्नमेंट जॉब, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जॉब का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे आना होगा और नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम, फुल टाइम और ये गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में क्लिक करने के बाद भी और भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करेंगे तब जाके हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो देखिए, जैसे हम गवर्नमेंट जॉब में ओपन किया तो इस पेज जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत से गवर्नमेंट जॉब का लिस्टेड यहाँ पे है ऑलरेडी। तो ये कौन दिया है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या कंपनी की तरफ से भी जो है ये पोस्ट किया हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये कब है। तो देखिए, ये 17 फरवरी को जो है ये पोस्टेड हुआ है, 26 फरवरी को जो है पोस्ट हुआ है। तो हमें चाहिए रिसेंटली किसने जो है गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन इसमें दिया है। तो उसके लिए शॉर्टेड बाई यहाँ पे पॉपुलर करके है, तो हमें यहाँ पे चाहिए रिसेंटली। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली आ गया है। रिसेंट में हम क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जितने भी गवर्नमेंट जॉब है वो हमारे सामने अभी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे रिसेंट चूज़ कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो है रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब पोस्टेड है, तो हम किसी एक को यहाँ पे चुन लेते हैं। जो भी आप जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद उसमें आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। और जैसे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे दूसरे मेंशन रहेगा, देखिए गवर्नमेंट जॉब है, जॉब का लोकेशन कहाँ है, सेंट्रल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की तरफ से है। ठीक है, और इसका लोकेशन जो हैदराबाद, क्योंकि मैंने हैदराबाद सेलेक्ट किया था। वैसे ही आप जो भी सिटी से सेलेक्ट करेंगे वो सिटीज़ का नाम यहाँ पे आ जाएगा। मे बी जॉब जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। सैलरी दोस्तों यहाँ पे मेंशन है और अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे मेंशन है, और बाकी का जो डिटेल है यहाँ पे, एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, क्या क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। देखिए यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट जो नंबर दिया है इसका माने ये है कि ये जो है जेन्यून है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मेंशन, इंस्टीट्यूशनल पोस्टिंग, लोकेशन पुणे, मोहाली, बेंगलुरु, इस यहाँ पे भी जो है ये जॉब अवेलेबल है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और सिटी से कितना रहेगा ये भी यहाँ पे, सैलरी कितना रहेगा ये भी यहाँ पे जो है मेंशन हुआ है। तो आप टोटली ये डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए एक बार, अपना जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो लिंक दिया है दोस्तों, ये लिंक में क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा। इसके लिए आपको पूरे सेलेक्ट करना होगा इन टोटली को, दूसरे पेज में जो है ओपन कर लीजिए। तो देखिए, जैसे ही हमने वो लिंक को यहाँ पे ओपन किया तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ओपन हो चुका है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डिटेल है यहाँ पे मेंशन हुआ है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी है, और उसके लिए बेसिक पे कितना रहेगा, फुल पे कितना है। ठीक है, पोस्ट इसमें कौन कौन सा अवेलेबल, कितने सारे पोस्ट इसमें अवेलेबल है, सभी का डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यदि आप पोस्ट वाइज यदि उसका डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी उसका पूरा का पूरा डिटेल जो है आप देख के उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।